नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम बनाते कलाकंद। तो इसके लिए मैं दूध की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो फुल क्रीम दूध लिया है और इसको अब मैं गैस पे उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। और ये दूध हमें जब तक उबालना है जब तक कि ये दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए हमारे दूध को उबलते उबलते 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये आधे से भी कम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं विनेगर ऐड करूँगी। हमें ये दूध को फाड़ना है पर बहुत बारीक बारीक दानों में। अगर हम यहाँ पर चलाना छोड़ देते तो मोटे मोटे दाने फटेंगे दूध के, और हम लगातार चलाएंगे तो बहुत बारीक बारीक खोए टाइप के आकार के दाने बनेंगे। और हम लगातार चलाते रहेंगे इसे, आसपास से जो ये मलाई क्रीम जो चिपक रही है हमारी, इसे भी हम लगातार छुड़ाते जाएंगे। और ऐसे ही चलाते चलाते हम अपना कलाकंद बनाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। देखिए आधे घंटे बाद मेरा दूध कैसा हो गया है। देखिए मैं लगातार चला रही हूँ क्योंकि लगातार चलाते रहना चाहिए, ये दूध हमारा लग जाएगा वरना जल जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है, उसको ऐड करी थोड़ी थोड़ी करके। देखिए थोड़ी थोड़ी करके मैं चीनी डालूंगी। देखिए हमारा कलाकंद कलर बदल दिया इसने। अब यहाँ पे मैं 1-1 करके 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड करूँगी। जब हमारा ये देसी घी मेल्ट हो जाएगा तब हम दूसरा टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। देखिए यहाँ पे फिर मैंने एक दूसरा और डाल दिया है। देखिए यहाँ पे हमने तीसरा डाल दिया है। अब हमें जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा ये डो फॉर्म में ना आ जाए। देखिए हम लगातार कंटिन्यू चलाएंगे। इस दूध को जलाते हुए पकाते हुए कलाकंद को हमारे 1.5 घंटा हो चुका है। मुझे देखिए अब हमारी ये कलाकंद जमने के लिए तैयार है। अब हम इसे जमा देंगे और 10 से 20 मिनट के अंदर ये हमारा ठंडा हो जाएगा। हम इसके पीसेस भी काट लेंगे। देखिए हमारा ठंडा हो गया तो मैं पीसेस काट रही हूँ इसके। देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बना हमारा कलाकंद। ये देखिए खाने में बहुत यम्मी और टेस्टी लग रहा है ये। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।